अब ये आपके सारे के सारे स्टेटमेंट ठीक है तो उनकी स्टेटमेंट बहुत लेंथी है तो एक तो लिखने में भी टाइम लग जाता है और जब आप लिखते हैं तो यहाँ से स्टार्ट करो तो आधा बोर्ड जो है वो उसके क्वेश्चन से ही भर जाता है ठीक है तो सॉल्व करने की जगह भी नहीं होती इसलिए मैं स्टेटमेंट जो है वो बुक से रीड करूंगा और आपको यहाँ साथ साथ समझाता जाऊंगा तो आपने जो है वो साथ बुक रख लेनी है वहां से मैं रीड करूंगा और यहाँ पे सॉल्व करके आपको अंडरस्टैंड करवाऊंगा तो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें कहता है

के जो आपका सरफेस एरिया ए है सरफेस एरिया ए है ठीक है वो है वेरिस डायरेक्टली वेरिस डायरेक्टली यानी के ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन है किसके एज द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ए लेंथ कौन सी है एल है लेंथ एल है उसके स्क्वायर के लेंथ एल है उसके स्क्वायर के ये उसका आ गया स्क्वायर, ठीक है Edge, आगे उसने वैल्यूज दी हैं है। तो ये आपका रिलेशन है आप ये वाले साइन को खत्म करते थे कैसे इक्वल लगाते थे सात कॉन्स्टेंट के का यूज करते थे जैसे आप फिजिक्स में भी करते हो ना ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन कैसे खत्म किया जाता है इक्वल लगा के और आगे कॉन्स्टेंट के तो इसमें भी हम ऐसे ही करेंगे ए इज इक्वल टू ए आगे कॉन्स्टेंट ये साइन खत्म आगे एल स्क अब आप इसको नाम दे लो इक्वेशन वन का ठीक है अब यहां से आपने जो है ना के की वैल्यू निकाल लिया तो वो कैसे निकालोगे उसके लिए आपको ए की वैल्यू पता होनी चाहिए और एल की वैल्यू तो उसने आपको आगे क्वेश्चन में दी हुई है वो कहता है ए इज इक्वल टू ट्वेंटी सेवन ए की वैल्यू ट्वेंटी सेवन है और एल की वैल्यू थ्री है तो ए की जगह आ गया ट्वेंटी सेवन के एज इट इज फाइन करना है और एल की जगह उसकी वैल्यू जो के थ्री है और उसके ऊपर स्क्यर है तो आपने भी स्केयर मेंशन करना है अब सॉल्व करें ठीक का स्केयर नाइन ब्रैकेट में अब वैल्यू के की फाइंड करनी है जिसको फाइंड करते हैं उसको सेपरेट रहने दिया जाता है तो नाइन इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इक्वल और तरफ आएगा तो डिवाइड हो जाएगा नाइन वन सा नाइन नाइन थ्री ट्वेंटी सेवन तो के की वैल्यू बच्चों क्या आ गई थ्री अब इस के की वैल्यू को आपने इसमें पुट करना इक्वेशन वन में पुट इन वन तो इक्वेशन वन आपने सेम एज इट इज लिखनी है जहां के आएगा उसकी वैल्यू बाकी सारा एज इट इज ठीक है जब आप के की वैल्यू पुट कर दो तो ये आपकी इक्वेशन बन जाती है इक्वेशन टू ठीक है अब आगे वो क्या कहता है फाइंड फर्स्ट पार्ट है इसका आगे उसमें क्या आपने फाइंड करना है जबकि एल जो है वो फोर यूनिट्स है ए फाइंड करना है और एल फोर यूनिट्स है अब जब आगे उसने जितने भी आपको पार्ट्स दिए हुए हैं ना उसमें आपने ये इक्वेशन टू का ही यूज करते हुए इसको फर्दर आगे सॉल्व करना है ठीक है तो इसमें जो है आगे अब हम इसमें पुट करेंगे ए इज इक्वल टू थ्री एल स्केयर तो हम कह देंगे जी यूजिंग इक्वेशन टू है जी ए इज इक्वल टू थ्री एल हमने फाइंड करना है ना तो ये तो एज इट इज आ गया थ्री भी एज इट इज क्योंकि ये एक नंबर है आगे एल है उसकी वैल्यू उसने फोर दी हुई है उसके ऊपर स्केयर तो फोर का स्केयर सिक्सटी सिक्सटीन को थ्री से मल्टीप्लाई कर दिया तो फोर्टी एट ठीक है तो ई की वैल्यू क्या आ गई आपके पास फोर्टी एट ठीक है और ये साथ लिख लो स्केयर यूनिट क्योंकि उसने स्केयर यूनिट्स में दिया हुआ है ना ये एरिया है एरिया स्केयर यूनिट्स में होता है ये था इसका फर्स्ट पार्ट आगे सेकंड पार्ट में क्या कहता है वो सेकंड पार्ट में कह रहा है जी एल फाइंड करो जबकि एरिया उसने दे दिया ट्वेल्व स्केयर यूनिट्स एल फाइंड करना है एरिया दे दिया टर यूनिट ये चीजें उसने आपको दे दी है अब इसको आपने सॉल्व करना है और बच्चों याद रहे इक्वेशन आपने यही लेनी है इक्वेशन टू यहाँ पे यूज करनी है ये जो इसका सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर वन का सेकंड पार्ट इसमें इक्वेशन टू का यूज करेंगे और एल वो कहता है फाइंड करो जबकि ए सरफेस एरिया उसने आपको ट्वेल्व स्क्र यूनिट दिया हुआ है ठीक है तो इसको करते हैं सॉल्व यहाँ पे आप लिखो यूजिंग इक्वेशन टू इक्वेशन टू है बच्चों ए इज इक्वल टू थ्री एल स्क् इसमें फाइंड क्या करना है एल की वैल्यू एल स्क्र ठीक है तो ए की वैल्यू उसने आपको दी हुई है ट्वेल्व स्क्र यूनिट तो ए की जगह उसकी वैल्यू आ गई ट्वेल्व और थ्री एल स्क् अब जिसको फाइंड करते हैं उसको सेपरेट आने दिया जाता है तो इसमें ये एल स्केयर सेपरेट रहेगा और थ्री इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इक्वल के इस तरफ आएगा तो डिवाइड हो जाएगा अब आप इसकी कटिंग कर दो थ्री फोर तो एल स्केयर इज इक्वल टू फोर तो अब आपने एल की वैल्यू फाइंड करनी है तो उसके ऊपर स्केयर है इस स्केयर को खत्म करना है कैसे दोनों तरफ आप स्केयर रूट ले लोगे तो फोर के ऊपर भी और यहां से एल स्क् के ऊपर भी तो ये इसे कट हो जाएगा और फोर का स्क्वायर रूट टू होता है तो ये आपके पास बच्चों लेंथ आ गई है कितनी टू ठीक है जी ये आपके पास एरिया आया था सरफेस एरिया फोर्टी एट स्कूनिट फर्स्ट का आंसर और ये सेकेंड का आंसर था जो कि लेंथ टू और लेंथ जो होती है वो पॉजिटिव ही कंसिडर की जाती है नेगेटिव में नहीं होती नहीं तो स्केयर रूट जब भी ओपन किया जाता है उसके साथ प्लस माइनस मेंशन करते हैं लेकिन ये लेंथ है लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती तो ये था जी क्वेश्चन नंबर वन का सेकंड पार्ट इसको आप नोट करें अब चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर टू की जानी जी बच्चों नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर टू अब ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है तो मैं बुक से रीड करूंगा क्योंकि स्टेटमेंट जो है इनकी लेंथी होती है द सर्फेस एरिया एस ऑफ दर सर्फेस एरिया है एस ऑफ दर वेर इज डायरेक्टली एज द स्क्र ऑफ द रेडियस आर एक सर्फेस एरिया है एस ये आ गया सरफेस एरिया और ये डायरेक्टली है किसके स्क्र ऑफ दी रेडियस के क्वेश्चन में ऑफ दी रेडियस आर ये रेडियस आर और उसका स्केयर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आगे क्या कहता है एंड एच इज इक्वल टू सिक्सटीन पाई वेन आर इज इक्वल टू टू फाइन आर वेन एच इज इक्वल टू थर्टी सिक्स पाए ठीक है तो ये चीजें थी हैं जी अब इसको हम करते हैं जी सॉल्व अब देखो बच्चों आपने ये साइन खत्म कर दिया ठीक है कैसे होगा इसकी जगह इक्वल एस इज इक्वल टू आगे कॉन्स्टेंट के और ये आर अब जो उसने आपको वैल्यूज दी हुई है ना आगे एस और आर की वो वैल्यू यहां पुट करें और के वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करें तो एक्स एस की जो वैल्यू उसने दी है आपको वो है सिक्सटीन पाए ठीक है तो ये आ गया एस की जगह सिक्सटीन पाए और के और आर की वैल्यू उसने कितनी दी हुई है टू आर इज इक्वल टू तो ये टू उसके ऊपर स्क्वेयर है तो इस तरह आपने भी स्क्वेयर मैंशन कर लिया तो अब सिक्सटीन पाए और टू का स्केयर फोर और ये के से मल्टीप्लाई हो रहा है वैल्यू के की फाइंड करनी है तो के को सेपरेट रहने दो फोर इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो फोर वन दिक्सटीन तो के की वैल्यू बच्चों क्या आ गई के इज इक्वल टू फोर पाए ठीक है अब ये जो साइन आपने खत्म करके इक्वल लगाया ना इसको नाम दे लेना आपने इक्वेशन वन का ठीक है अब इस इसके की वैल्यू को पुट करना है जी पुट इन वन इक्वेशन वन में इक्वेशन ये वाली है सेम एज इट इज लिखना है जस्ट के ही जगह उसकी वैल्यू फोर पाई आगे क्या है आर्ट्स स्केयर, वो एज इट इज ठीक है जब आप वैल्यू पुट कर देते हो तो वो साथ ही आपकी इक्वेशन बन जाती है इक्वेशन टू ठीक है अब वो नेक्स्ट क्या कहता है जी नेक्स्ट बच्चों कह रहा है कि फाइंड आर आर फाइंड करना है जबकि एस की वैल्यू थर्टी सिक्स पाई है आर फाइंड करना है जबकि एस की वैल्यू थर्टी सिक्स पाई है। अब देखो बच्चों नेक्स्ट ये है अब इसमें आपने इक्वेशन यही यूज करनी है इक्वेशन ये वाली टू यहाँ पे आप लिख लो यूजिंग इक्वेशन टू ठीक है इक्वेशन टू का ही आपने इसमें, इसमें इस्तेमाल करना है तो इक्वेशन टू है एस इज इक्वल टू फोर पाई आर स्केयर तो फाइंड आपने क्या करना है थर्टी सिक्स पाई इज इक्वल टू फोर पाई आर स्केयर है इसमें से आर की वैल्यू फाइंड करनी है तो आर स्केयर ये है एस सेपरेट रहने दो जिसको फाइंड करते हैं उसको सेपरेट रहने दिया जाता है और फोर पाई इधर मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा पाई पाई से कट हो जाएगा फोर वन सा फोर फोर नाइन सा थर्टी सिक्स आगे तो वो आसान से स्टेप स्केयर को खत्म करने के लिए दोनों तरफ स्केयर आंसर नाइन पे सेपरेट और आर स्केयर पे सेपरेट ये इसे कट हो जाएगा और यहां से आर की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी थ्री तो बस क्वेश्चन उसने यहीं तक ही कहा हुआ है आगे तो उसने बोला ही नहीं है कुछ तो आर इज इक्वल टू थ्री अब बच्चों ये आपका निकला है रेडियस क्या निकला है रेडियस रेडियस हो हो गया लेंथ गई ये आपके पास पॉजिटिव में होते हैं नेगेटिव में नहीं होते ठीक है, है वैसे इसका स्केर रूट खत्म करें तो प्लस माइनस आता है लेकिन माइनस हमने इसलिए मेंशन नहीं किया क्योंकि ये रेडियस है आपने कभी ऐसा सुना है कि जैसे ये व्हाइट बोर्ड है इसकी ये लेंथ जो है ये नेगेटिव में आई हो अगर मैं इसकी लेंथ में ईयर करूँ तो जाहिर है कोई नंबर आएंगे ठीक है या इंचिस में या फीट में तो नेगेटिव तो नहीं ना आ सकती पॉजिटिव ही आएगी ना तो इसी तरह लेंथ रेडियस ये आपके पॉजिटिव होते हैं ये था इसका क्वेश्चन नंबर टू अब चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर थ्री की जान जी स्टूडेंट्स आ गया क्वेश्चन नंबर थ्री इसकी स्टेटमेंट है जी इन हुक्स लॉ द फोर्स एफ अप्लाई टू स्ट्रेच अ स्प्रिंग वेरी स्ट्रेटिकली एज द अमाउंट ऑफ इलोंगेशन एस एंड एफ इज इक्वल टू थर्टी टू एल बी वेन एस इज इक्वल टू वन पॉइंट करना है जबकि एफ की वैल्यू फिफ्टी एल बी है और सेकेंड पार्ट में एफ फाइंड करना है जबकि एस की वैल्यू जीरो पॉइंट एट इंच इसका जी क्वेश्चन है अब देखो बच्चों स्टेटमेंट में वो कहता है हुक्स हुक्सला फोर्स एफ फोर्स है जी एफ ये आगे फोर्स एफ अब इसका करना क्या है टू स्प्रिंग वेरिस डायरेक्टली ये डायरेक्टली है डायरेक्टली ओके और एज द अमाउंट ऑफ इलाशन एस किसके साथ एस के साथ ये वेरिज डायरेक्टली कर रहा है ओके okay? okay? फिर आगे उसने आपको वैल्यूज दी हुई है तो ये रिलेशन है अब इसमें आपको पता है पहला स्टेप हमारा क्या होता है इस साइन को खत्म करना कॉन्स्टेंट लगा के ठीक है तो एफ इज इक्वल टू सात कॉन्स्टेंट के और एस एज इट इज अब आप इसमें k की वैल्यू फाइंड करोगे उसके लिए आपको f और s की वैल्यू चाहिए वो उसने आपको क्वेश्चन में दी हुई है f की वैल्यू वो कहता है जी 32 टू है तो इसकी जगह आ गया 32 और k फाइंड करना है एज इट इज और s की वैल्यू भी उसने दी हुई है 1.6 अब k और s आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं इसलिए आपने ये ऐसे ब्रैकेट मैंशन करनी है ओके अब के फाइंड करना है तो वन इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड अब 36 ये 32 को डिवाइड कर दो 1.6 से कैलकुलेटर अलाउ है तो आपको वो आंसर दे देगा बच्चों 20 ठीक है तो यहां से के की वैल्यू क्या आ गई 20 अब इस के की वैल्यू को आपने इसमें पुट करना है जहां आपने कॉन्स्टेंट लगाया था इसको नाम दे लो इक्वेशन वन का पुट इन इक्वेशन वन ठीक है एफ इज इक्वल टू के के जगह उसकी वैल्यू जो के ट्वेंटी है आगे एस यानी के ट्वेंटी एस आगे ओके अब नेक्स्ट क्या कहता है आपने एस फाइंड करना है ठीक है और एफ की वैल्यू उसने दी हुई है अब इसके भी उसने दो पार्ट्स बनाए हुए हैं तो ये यहीं पे ये छोटू सा है सॉल्व हो जाएगा अच्छा ये इसमें आपने पुट कर दी इसको नाम दे लो इक्वेशन टू का अच्छा जी एस कहता है फाइंड करो जबकि क्या दिया हुआ उसने एफ दी हुई है फिफ्टी एल बी फोर्स कितनी है फिफ्टी एल ठीक है जी ये हमने जो है वो इसमें फाइंड आउट करना है ठीक है जी तो इक्वेशन आपने टू ही यूज करनी है जो आपने ये निकाली हुई है के की वैल्यू जिसमें पुट की है ये इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व यूजिंग इक्वेशन टू एफ इज इक्वल टू ट्वेंटी एस अब एफ जो है उसकी वैल्यू उसने दी हुई है फिफ्टी ये आप इसकी जगह फिफ्टी पुट करो और ट्वेंटी आगे एस एस तो आपने फाइंड करना है ना इसलिए वो एज इट इज तो जिसको फाइंड करते हैं उसको सेपरेट आने दिया जाता है तो ट्वेंटी इसके साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई इधर आएगा तो डिवाइड जीरो जीरो से कट फाइव को टू से डिवाइड करोगे तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा बच्चों टू पॉइंट फाइव ये आपके पास आ गई है जी बच्चों कैलकुलेटर पे एस की वैल्यू ठीक है और एस आपके पास एज ए डिस्टेंस है तो साथ आप इंच भी लिख सकते हो इंच आई एन इंच ठीक है जी और सेकंड पार्ट जो उसने दिया ना उसमें वो कहता है सेकंड पार्ट में कह रहा है जी आपसे आपने जो है वो एफ फाइंड करना है जबकि एस जो है जीरो पॉइंट एट इंच दिया हुआ है ठीक है जी अभी कर लेते हैं फाइंड फाइंड एफ करना है जबकि एस जीरो पॉइंट एट इंच दिया हुआ है ये इसका सेकंड पार्ट है और ये इसका फर्स्ट पार्ट था तो बच्चों इक्वेशन आपने टू ही यूज करनी है इक्वेशन ये वाली है टू एफ इज इक्वल टू ट्वेंटी एस तो सॉल्व यूजिंग इक्वेशन टू एफ इज इक्वल टू ट्वेंटी एस अब एफ फाइंड करना है जिसको फाइंड करते हैं उसको सेपरेट आने है देते हैं ये तो ऑलरेडी सेपरेट है और इज इक्वल टू ट्वेंटी एस इससे मल्टीप्लाई हो रहा है एस की वैल्यू जीरो पॉइंट एट है और ये मैंने ब्रैकेट लगाई है इसका मतलब ये मल्टीप्लाई हो रहा है ठीक है तो अब ट्वेंटी को आपने जीरो पॉइंट एट से मल्टीप्लाई कर देना है एफ की वैल्यू आ जाएगी तो सिक्सटीन आ जाएगा F is equal to 16, आगे इसका उसने unit use किया तो तो आप भी LB लिख लो तो ये आपके पास किसकी वैल्यू आ चुकी है F की और ये S की, ये first part, ये second part, और ये 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 की की हमने वैल्यू फाइंड करके क्वेश्चन में पुट की तो ये क्वेश्चन टू इसके जरिए हमने ये दोनों सॉल्व किए तो ये था इसका क्वेश्चन थ्री अब चलते हैं जी क्वेश्चन फोर की जानी जी बच्चों क्वेश्चन नंबर फोर है अब इसकी स्टेटमेंट रीड करते हैं द इंटेंसिटी आई ऑफ लाइट फ्रॉम अ गिवन सोर्स वेरीस इनवर्सली ये स्टेटमेंट मैंने इसलिए नहीं लिख रहा क्योंकि ये स्टेटमेंट लेंथी है और अगर मैं यहाँ से लिखूंगा तो ये हाफ बोर्ड जो है वो स्टेटमेंट से ही भर जाएगा तो फिर वो सोल्यूशन में जो है वो फिर डिफिकल्टी आती है वो फिर बार बार रेस करना पड़ता है इसलिए आप बुक ओपन करें मैं स्टेटमेंट रीड कर रहा हूँ वहां से आप भी देखें मैं आपको यहाँ पे अंडरस्टैंड करवा दूंगा द इंटेंसिटी आई ऑफ लाइट फ्रॉम अ गिवन सोर्स वेरीज इनवर्सली एज द स्केयर ऑफ द डिस्टेंस डी फ्रॉम इट ओके इफ द इंटेंसिटी इज ट्वेंटी कैंडल पावर एट अ डिस्टेंस ऑफ ट्वेल्व फिट फ्रॉम द इंटेंसिटी एट एट फिट फ्रॉम दछ ओके हो गया अब इसमें बच्चों कह रहा था इंटेंसिटी आई एक इंटेंसिटी है जो कि आए है ये इंटेंसिटी आ गई आई ठीक है फ्रॉम असरीज इनवर्सली वेरी क्या कर रही है इनवर्सली कर रही है, varies होता है ये इसका साइन और इनवर्सली inverse क्या इंटेंसिटी क्या है, है इनवर्सली ठीक है उसने इनवर्स यानी कि उलट ये आएगा वन आवर और डिस्टेंस डी यूज किया है उसका स्क्वेयर फिर बच्चों मैं बता रहा हूं अगर उसने डायरेक्टली का बोला होता ना तो आई आगे ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आगे साथ ही हमने डी स्के लिख देना था लेकिन उसने जो है वहां पे इनवर्स बोला हुआ है तो इनवर्स उल्ट होता है तो ये हमने उल्ट कर दिया इसका यानी डी को नीचे लिख दिया One डी कर दिया ठीक है आगे उसने आपको वैल्यूज दी हुई है इंटेंसिटी की भी और डिस्टेंस की भी तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे देखो बच्चों ये साइन है इसको कैसे खत्म करना है कॉन्स्टेंट के लगा के इक्वल लगा के ठीक है तो आई इज इक्वल टू ये आ गया के K जब वन से मल्टीप्लाई होगा तो वो के ही आ जाएगा और नीचे डी स्क्वायर यहां से आप अब के की वैल्यू फाइंड करो उसके लिए आई की वैल्यू चाहिए और डी की चाहिए वो उसने आपको दी हुई है इंटेंसिटी इज ट्वेंटी कैंडल पावर इंटेंसिटी कितनी है ट्वेंटी और डी कितना है यानी कि डिस्टेंस ट्वेल्व फीट तो इसकी जगह आ गया ट्वेल्व अब ट्वेल्व इधर डिवाइड हो रहा है इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा क्यों क्योंकि के की वैल्यू फाइंड करनी है जिसको फाइंड करना हो उसको सेपरेट रहने दिया जाता है तो ये आ जाएगा 12 टू द्वेंटी फोर के की वैल्यू क्या आ गई टू अब इसको आपने इसमें पुट करना है जहां के फर्स्ट आपने यूज किया है इसको नाम दे लो इक्वेशन वन का यहाँ कह लो जी पुट इन इक्वेशन वन तो इक्वेशन वन आपने यहाँ एज इट इज ही लिखनी है जस्ट के की जगह उसकी वैल्यू टू i इज इक्वल टू के जगह उसकी वैल्यू और नीचे D स्के ठीक है ये वैल्यू इसमें पुट कर दी ये आपकी इक्वेशन आ गई है इक्वेशन टू अब आगे वो जो भी कहेगा ना कि ये चीज फाइंड करो इंटेंसिटी या डिस्टेंस तो आपने इक्वेशन टू का ही यूज करना है अच्छा पढ़ लेते हैं आगे क्या कहता है फाइंड द इंटेंसिटी इंटेंसिटी आपने फाइंड करनी है एट अ पॉइंट एट फीट ठीक है इंटेंसिटी फाइंड करेंगे और डिस्टेंस उसने कितना दिया किस डिस्टेंस पे एट फीट के ठीक है तो इक्वेशन बच्चों आपने ये टू ही यूज करनी है तो सॉल्व यूजिंग इक्वेशन टू इक्वेशन टू है आई इज इक्वल टू टू फोर्टी डी स्के तो अब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन इंटेंसिटी फाइंड एंड डिस्टेंस वैल्यू इज एट फीट यहाँ पे हम वैल्यू स्पूट करेंगे इंटेंसिटी फाइंड करनी है जिसको फाइंड करते हैं उसको सेपरेट ट्रेनिंग दिया जाता है और टू फोर्टी और डी डी डिस्टेंस है डिस्टेंस उसने एट फीट दिया या जीरो पॉइंट एट एट दिया हुआ है उसने जी चले कोई बात नहीं ठीक है तो एट का स्क्वेयर आ जाएगा ठीक है बच्चों, ओके अब एट का स्क्वायर क्या होता है सिक्सटी फोर इंटेंसिटी इक्वल टू फोर्टी को डिवाइड कर देना 60 से, तो आपके पास इसकी इंटेंसिटी फाइंड आउट हो जाएगी अच्छा जी तो बच्चों यहाँ से इंटेंसिटी उसने दी थी 20 डिस्टेंस 12 अच्छा बच्चों यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक हो चुकी है अगर आप गौर करें तो ये था डी स्केयर तो डिस्टेंस था डी की वैल्यू उसने दी थी ट्वेल्व तो उसके ऊपर स्क्यर था ना तो हमने स्केयर भी तो मैं करना है ना तो यहाँ पे ऐसे स्केयर आएगा फिर स्केयर क्या हो गया यहाँ से मैं आपको अगेन करवा देता हूँ बच्चों तो ये मैथ्स है मैथ्स में ना इस तरह की छोटी छोटी मिस्टेक्स होती रहती हैं तो ट्वेंटी इज इक्वल टू के ट्वेल्व का स्केयर वन फोर्टी फोर अब ये डिवाइड हो रहा है इधर आके मल्टीप्लाई तो के की वैल्यू आपके पास आएगी जब कैलकुलेटर पे करोगे तो टू एट एट जीरो इज इक्वल टू के इसको अब आप पुट करोगे इक्वेशन वन में पुट इन वन तो आई इज इक्वल टू के की जगह उसकी वैल्यू और नीचे डी स्केयर और साथ ही नाम दे लिया इसको इक्वेशन टू का ठीक है अब इक्वेशन टू ये है यहाँ पे ये मिस्टेक हुई थी इसका स्केयर था तो हमने स्केयर भी तो लेना था ना तो अब ये इक्वेशन टू है ये वाली है डिस्टेंस उसने एट दिया हुआ है क्वेश्चन में जी और साथ के वैल्यू अब क्या है ये टू एट एट जीरो तो यहाँ पे टू एट जीरो एट एट जीरो एट एट जीरो ये चीज आएगी बच्चों इक्वेशन हमने टू का ही यूज करना है तो अब इसको हमने ऐसे डिवाइड कर देना है तो आपके पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा जब आप इसको डिवाइड कर दोगे ना तो आपके पास आएगा इंटेंसिटी फोर्टी फाइव यहाँ में लिख देता हूं इंटेंसिटी फोर्टी फाइव और उसने इंटेंसिटी का जो यूनिट यूज किया था वो कैंडल पावर किया था कैंडल पावर तो यहां पे मैं लिख देता हूँ सी पी सी से कैंडल पी से पावर तो ये आपके पास इंटेंसिटी की वैल्यू आ चुकी है तो ये था जिसका क्वेश्चन नंबर फोर आई होप कि आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा इसको अब आप नोट कर लें जी स्टूडेंट्स एक्सरसाइज थ्री पॉइंट सेवन का क्वेश्चन नंबर फाइव है अब तो ये क्वेश्चन नंबर फाइव जो है इसकी स्टेटमेंट लेंथी है इसलिए मैंने जो है वो बोर्ड पे नहीं लिखी तो आप अपनी बुक्स ओपन कीजिए वहां पे मैं यहाँ से रीड आउट करता हूँ तो आप वहां से अंडरस्टैंड कीजिएगा क्वेश्चन फाइव है द प्रेशर पी इन अ बॉडी ऑफ फ्लू डायरेक्टली एज द डेप्थ डी इफ द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द बॉटम ऑफ अ टैंक अ कॉलम ऑफ फ्लू फाइव फीट हाई इज टू पॉइंट टू फाइव एल बी पर स्क्र इन हाउ डीप मच दी टू एक्टर ऑफ नाइन एल बीस इन इसमें जी उसने रिलेशन दिया हुआ जी प्रेशर, पी, एक प्रेशर है जो कि पी है जिसको उसने किससे रिप्रेजेंट किया है आगे वो क्या कहता है इन आ बॉडी ऑफ फ्लू डायरेक्टली वेरिस का रेड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वेरिज डायरेक्टली ये बच्चों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है किससे एस दी डी से प्रेशर जो है वो वेरिज करा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डी के उसके बाद वो कहता है इफ द प्रेशर ऑन द बॉटम ऑफ ऑफ अ अ टैंक बाय कॉलम फीट आगे उसने जो है वो वैल्यूज दी हुई प्रेशर की और ये डी की डेप्थ डी की तो बच्चों ये आपका क्वेश्चन है इसमें अब आपको पता है कि जब इसको सॉल्व करना है तो ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है इसको खत्म करना है तो वो कैसे खत्म किया जाएगा इसकी जगह इक्वल और साथ कॉन्स्टेंट के मैं अक्सर बताता होता जैसे आप फिजिक्स में किसी डेरिवेशन को सॉल्व करते हो ये साइन खत्म करते हो तो आप उसकी जगह इक्वल हो और साथ कांस्टेंट के का यूज करते हो तो इसमें भी हम बिल्कुल ऐसा ही करेंगे पी ये इक्वल साथ कांस्टेंट d और आगे डी अब यहां से बच्चों आपने ना के की वैल्यू निकाल लेनी है ठीक है और इसको नाम दे लेना इक्वेशन वन का यहां से के की वैल्यू निकालो अब के की वैल्यू के लिए आपको प्रेशर की वैल्यू चाहिए और डी चाहिए डेप्थ चाहिए उसकी ठीक है तो वो उसने आगे आपको दी हुई है जरा क्वेश्चन रीड करें ये हाफ से आगे वो कहता है जी इफ द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द बॉटम ऑफ अ टैंक बाय या कॉलम ऑफ फ्लूड फाइव फीट अब उसने ये फिट यानी कि ये आपका फ्लूएड है जिसको उसने डी से जाहिर किया तो डी की वैल्यू उसने कितनी दी है फाइव फिट और आगे वो कहता है High is LB per उसने कितना दिया? तो आप इसमें वैल्यूज करोगे प्रेशर की टू पॉइंट करना फाइव फीट तो इसकी जगह आ गया फाइव अब के डी से क्या हो रहा है मल्टीप्लाई इसलिए आपने ये ब्रैकेट मेंशन कर लेनी है अब यहां से के की वैल्यू फाइंड आउट कर लो फाइव सीधर क्या हो रहा है मल्टीप्लाईक् किस तरफ आएगा तो डिवाइड 2.25 डिवाइडेड बाय 5. अब बच्चों कैलकुलेटर आपको अलाउ है आपने कैलकुलेटर पे लिखना टू पॉइंट डिवाइडेड बाय 5. तो वो आपको आंसर दे देगा जी 0.45. 0.45. और ये आपके पास आ गई के की वैल्यू ठीक है अब इस के की वैल्यू को आपने इस इक्वेशन में पुट करना है यहाँ पे आप लिखो पुट इन इक्वेशन वन इक्वेशन वन ये वाली है जहां के होगा जस्ट उसकी वैल्यू करोगे। पी पी इज इक्वल टू के उसकी जगह जीरो डी है वो आपने एज इट इज लिख देना और साथ ही ये इक्वेशन कौन सी बन गई इक्वेशन टू ये इक्वेशन वन और ये वाली इक्वेशन टू अब बच्चों नेक्स्ट वो क्या कहता है आगे स्टेटमेंट में हाउ डीप मस्ट द फ्लूट बी टू एक्सर्ट अ प्रेशर ऑफ अब उसने प्रेशर आपको दे दिया नाइन एल बी पर स्केयर और वो कहता है हाउ मच डीप कि वो कितना गहरा होगा यानी कि उसका आपने जो डी है वो फाइंड करना है और प्रेशर उसने आगे आपको दे दिया नाउ वी फाइंड प्रेशर उसने दिया हुआ है डी फाइंड करना है और प्रेशर कितना दिया हुआ है नाइन एल बी पर स्केयर नाइन एलबी पर स्केयर ये उसने आपको दिया हुआ है अब बच्चों आगे उस जितने भी वो के ना प्रेशर फाइंड करो डीप या डेप्थ फाइंड करो तो आपने जस्ट इस इक्वेशन का यूज करना है इक्वेशन टू का जितने भी हमने क्वेश्चन किए हैं जब हम के की वैल्यू निकाल के इक्वेशन में पुट कर देते हैं तो वो इक्वेशन टू बन जाती है अब सिर्फ इसी का ही आगे यूज होता होता है यहीं से हम जो है वो इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग इक्वेशन टू इक्वेशन टू है जी p इज इक्वल टू जीरो पॉइंट फाइव आगे d. अब बच्चों को कहते हैं डी फाइंड करो p की वैल्यू उसने दी हुई है तो यहां मैं p की वैल्यू पुट करता हूं जो के नाइन है और ये वाला एज इट इज आगे d. अब फाइंड हमने d करना है तो जो चीज फाइंड करते हैं उसको सेपरेट रहने दिया जाता है तो d फाइंड करना है ये तो यहाँ पे सेपरेट रहेगा और जीरो इससे क्या हो रहा है डी से मल्टीप्लाई इक्वल किस तरफ आएगा तो डिवाइड हो जाएगा कैलकुलेटर अलाव है उस पर आप लिखो नाइन डिवाइडेड बाई देगा बच्चों ट्वेंटी फीट ठीक है ट्वेंटी और ये डी जो है उसने फीट में दिया हुआ था ना आपको क्वेश्चन अगर आप पीट करें तो डी जो है उसने आपको एफ टी यानी फीट में दिया हुआ है तो डी की वैल्यू क्या आ गई आपके पास ट्वेंटी फीट

क्योंकि अगर बोर्ड पे लिखो स्टेटमेंट तो वो आधा बोर्ड जो है वो स्टेटमेंट से भर जाता है फिर वो आधे में वो सिंप्लीफिकेशन मुश्किल होती है और एक तो टाइम भी बहुत लगता है इसलिए स्टेटमेंट जो है वो इनकी आप बुक खोलें यहाँ से मैं रीड करता हूँ आप वहां से बुक से अंडरस्टैंड कीजिएगा क्वेश्चन सिक्स है लेबर कॉस्ट सी वेरी ज्वाइंटली एज द नंबर ऑफ वर्कर्स एन एंड द एवरेज नंबर ऑफ डेज डी इफ द कॉस्ट ऑफ एट हंड्रेड वर्कर्स फॉर थर्टीन डेज इज रुपीज ट्वेंटी एट टू लैक एटी सिक्स थाउजेंड द लेबर कॉस्ट ऑफ ये क्वेश्चन सिक्स है और इसमें लेबर कॉस्ट क्या है सी और वो द नंबर ऑफ वेडीज का लिया यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसके ज्वाइंटली ज्वाइंटली होता है मिला हुआ अब क्या मिला हुआ है इसमें एन एंड द एवरेज नंबर ऑफ डेज डी नंबर ऑफ वर्कर्स एन और नंबर ऑफ डेज डी ये दो चीजें एन और डी ये ज्वाइंटली है मिले हुए हैं किससे वेरिज कर रहे हैं सी से यानी के एन और डी ये ज्वाइंटली है आगे क्या कहता है इफ द कॉस्ट ऑफ एट हंड्रेड वर्कर्स फॉर थर्टीन डेज इज रुपीज 286000 फाइंड द लेबर कॉस्ट ऑफ 600 वर्कर्स फॉर 18 डेज आगे उसने वैल्यूज दी हुई हैं और आपसे आगे वो एक क्वेश्चंस भी कर रहा है अब ये रिलेशन है आपके पास इसमें सबसे पहले तो आप k की वैल्यू निकालोगे जैसे आप प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करते आए हो उसके लिए आपने इस साइन को खत्म करना है कैसे खत्म करना है इसकी जगह इक्वल सात कांस्टेंट k आगे nd एज इट इज ठीक है प्रोपोर्शनैलिटी का साइन खत्म इक्वल लगा के साथ K लगाया अब यहां से के की वैल्यू फाइंड करो उसके लिए आपको सी की वैल्यू चाहिए एन की वैल्यू चाहिए डी की वैल्यू चाहिए ताकि आप इसमें वैल्यू स्पूट करो और के की वैल्यू फाइंड आउट कर सको तो अब सी की वैल्यू क्या है आप क्वेश्चन की तरफ आए क्वेश्चन के तकरीबन हाफ पे आए उस पर लिखा हुआ है इफ द कॉस्ट ऑफ 800 वर्कर्स फॉर थर्टीन डेज इस रुपीज टू लैख एटी सिक्स थाउजेंड अब इसने ये कॉस्ट दी हुई है टू लैख एंड ये आपकी सी की वैल्यू है ठीक है तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ टू लैख एटी सिक्स थाउजेंड ठीक है इसके इसकी जगह इसकी वैल्यू आ गई तो फाइंड करना है आगे एन और डी है अब एन की क्या वैल्यू है कॉस्ट ऑफ एट हंड्रेड वर्कर्स अब क्वेश्चन में जो वर्कर्स है ना उसको उसने एन से रिप्रेजेंट किया है तो उसकी वैल्यू उसने 800 दी हुई है तो एन की जगह क्या आ जाएगा 800 तो के एन डी ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं ये मैंने लगाई ब्रैकेट और ये इसकी वैल्यू आगे डी है डी आपके पास क्या है नंबर ऑफ डेज वो उसने कितने दिए हुए हैं इफ द कॉस्ट ऑफ एट हंड्रेड वर्कर्स फॉर थर्टीन डेज डेज कितने हैं थर्टीन तो यहाँ पे क्या आ गया इसकी जगह थर्टीन ठीक है आप जस्ट आपने इसको सॉल्व करना है और के की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है तो देखो बच्चों, बच्चो 20, ये मैंने लिखा जी एज इट इज के अब जस्ट इसको इससे मल्टीप्लाई करना है तो थर्टीन एट नाइन्टी वन ये आ गया नाइनटी वन आगे टू जीरो आपके पास आ जाएगा नाइन थाउजेंड वन हंड्रेड

तो आप इसको डिवाइड कर दो ट्वेंटी एट सिक्स जीरो जीरो डिवाइडेड बाय वन जीरो फोर डबल जीरो और के फाइंड करने जिसको फाइंड करते हैं उसको सेपरेट रहने दिया जाता है तो अब ये दो जीरो ये दो जीरो से कैंसल क्या रह टू एट सिक्स जीरो डिवाइडेड बाय वन जीरो फोर बच्चों आप इसको डिवाइड करो तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा तो कर लेते हैं जी डिवाइड टू से कर लेते हैं टू फाइव या टेन और तू तू यहां टू, 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 ए, टू, टू टू जा फोर फिर यहाँ पे भी टू, टू वन झा टू, टू टू फोर झा एक्सो एज इट इज फिर कटिंग हो जाएगी टू टू झा टेवन टू वन झा टू टू फाइव तो क्या आ गया जी ये और भी इसकी मजीद सिंप्लीफाई ये हो सकता है तो हम इसको करेंगे जितना हो सकता है तो आ गया सेवन वन फाइव और टू सिक्स आई थिंक ये और नहीं हो रहा तो बच्चों आप इसको यहीं तक ही रख लो ये आपके पास क्या आ गया के की वैल्यू अब इस के की वैल्यू को आपने ना इसमें पुट करना है जब आपने कॉन्स्टेंट के लगाया इसको आप नाम दे लो इक्वेशन वन तो इसमें आपने इसको पुट कर देना है तो जहां के होगा जस्ट उसकी जगह ये वैल्यू लिखोगे सी इज इक्वल टू सेवन वन फाइव अवर ट्वेंटी सिक्स आगे क्या है एन डी और ये आपकी बनगी इक्वेशन टू ठीक है यहाँ तक आ गई इक्वेशन टू बन गई अब नेक्स्ट स्टेप में वो क्या कहता है जी क्वेश्चन की तरफ आए कॉस्ट ऑफ सिक्स हंड्रेड वर्कर्स फॉर एटीन डेज लेबर कॉस्ट फाइंड करनी है अब आपने यानी के सी फाइंड करना है यहाँ पे मैं लिखता हूं नाउ वी फाइंड लेबर कॉस्ट सी फाइंड करना है और 600 वर्कर्स वर्कर्स उसने कितने दिए सिक्स हंड्रेड और किससे रिप्रेजेंट किया है? N से मीन नंबर ऑफ वर्कर्स तो वो कितने दिए सिक्स हंड्रेड उसके बाद फॉर एटीन डेज और आगे डेज उसने कितने दे दिए एटीन डी की वैल्यू एटीन तो अब आपने जो है वो सी फाइंड करना है अब इक्वेशन कौन सी यूज करोगे इक्वेशन टू ठीक है तो सॉल्व Using equation टू तो इक्वेशन टू बच्चों आपके पास है यहाँ पे ही हो जाएगा यहाँ पे करने की कोशिश करते हैं ये है जी इक्वेशन टू सी इज इक्वल टू सेवन वन फाइव अवर ट्वेंटी सिक्स एन डी अब इसमें आपने c फाइंड करना है और n भी दिया है d भी दिया है तो जिसको फाइंड करते हैं उसको सेपरेट टाइने दिया जाता है तो ये तो ऑलरेडी सेपरेट है तो जस्ट n और d की वैल्यू पुट करेंगे इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे सी हमारे पास आंसर आ जाएगा तो बच्चों इसके लिए सी इज इक्वल टू सेवन वन फाइवर टू सिक्स आगे एन है एन की वैल्यू उसने दी हुई है सिक्स हंड्रेड तो एन और डी ये इससे मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो मैं यहाँ पे यू मल्टीप्लाई का साइन लिख सकता हूँ आगे डी है डी की वैल्यू एटीन है तो वो भी तो मल्टीप्लाई ही हो रहा है ना तो ये मैंने लिख दिया एटीन मल्टीप्लाई के फॉर्म में अब जस्ट इसकी कटिंग है आंसर है तो बच्चों कटिंग कैसे करोगे आप देखो एक तो इसका ये हल है कैलकुलेटर अलाउ है उस पर आप लिखो सेवन फाइव है आपका उसको ट्वेंटी डिवाइड कर दो सी की वैल्यू आ जाएगी अगर आप मैं आपको सिखा देता हूँ अगर आप यूं कर लो टू से कटिंग कर लो टू वन दू टू थ्री दा सिक्स और टू नाइन सा एटीन अब इनकी मजीद कटिंग तो नहीं हो रही अब आप सेवन वन फाइव को मल्टीप्लाई करो सिक्स हंड्रेड से, से डिवाइड कर दो थर्टीन से तो आपके पास सी की वैल्यू आ जाएगी बच्चों टू लैख नाइनटी सेवन थाउजेंड टू लैख नाइनटी सेवन थाउजेंड रुपीज ये आपकी क्या आई है कॉस्ट तो आप इसके आगे जो है वो मेंशन कर सकते हो तो दिस इज रिक्वायर्ड आंसर ठीक है बच्चों तो ये था जिसका क्वेश्चन नंबर मैं आपको फिर से इसका ओवरव्यू दे देता हूँ देखो बच्चों उसने बोला था ये कोस्ट है और ये ज्वाइंटली है मिली हुई है और डी नंबर ऑफ वर्कर्स हैं नंबर ऑफ डेज हैं यहाँ से पहले हमने ये साइन इग्नोर किया खत्म किया इसकी जगह इक्वल लगाया सात कॉन्स्टेंट के और फिर हमने ये वैल्यूज पुट करके के की वैल्यू निकाल ली जो यहाँ निकल आई थी ठीक थी। है फिर हमने क्या किया के इसको के वैल्यू को इसमें पुट किया जब हमने के लगाया था जहां पे तो ये क्वेश्चन टू बन गई फिर यहां से उसने बोला था वी फाइंड नी फाइंड करो एन दिया हुआ है तो इक्वेशन इक्वेशन का यूज किया 2 ये थी इसमें N और D की वैल्यू पुट की तो इसको सिंप्लीफाई किया तो सी की वैल्यू हमारे पास आ गई तो ये था जी इसका क्वेश्चन नंबर सिक्स अब करते हैं 7। जी क्वेश्चन नंबर सेवन जी बच्चों क्वेश्चन नंबर सेवन है एक्सरसाइज थ्री पॉइंट सेवन का इसकी स्टेटमेंट मैं रीड करता हूँ इसमें कहता है जी द स्पोर्टिंग लोड सी ऑफ अ फोर्थ पावर ऑफ इट्स डी एंडली फीट विल सपोर्ट अ लोड ऑफ सिक्स हाउ हाई इंच पिलर मस्ट बी टू सपोर्ट अ लोड ऑफ ट्वेंटी एट टन अच्छा बच्चो इसमें वो क्या रिलेशन बता रहा है आपको के दोर्टिंग लोड सी एक सपोर्टिंग लोड है जिसको उसने सी से रिप्रेजेंट किया है वेरियस करना है जी एज द फोर्थ पावर ऑफ इट्स डायमीटर देखो बच्चों इस पर जरा गौर करो एक सपोर्टिंग लोड है जिसको उसने किससे रिप्रेजेंट किया है c से और वो वेरियस करना है किससे फोर्थ पावर ऑफ इट्स डायमीटर क्वेश्चन में फोर्थ पावर ऑफ इट्स डायमीटर d ठीक है ये वेरियस कर रहा है ठीक है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके फोर्थ पावर ऑफ इट्स डायमीटर डी डायमीटर डी है उसकी पावर कितनी है फोर तो ये डायमीटर आ गया डी और इसकी पावर फोर आगे क्या कहता है एंड इनवर्सली एज द ऑफ इट्स लेंथ एल और ये इनवर्स इनवर्स है inverse क्या होता है नीचे किसके स्केयर ऑफ इट्स लेंथ लेंथ एल एल है उसका स्क्वेर तो ये लेंथ एल आ गई और ये इसका स्कोयर आ गया ठीक है ये हमने रिलेशन बना लिया आगे क्या कहता है पिलर ऑफ ऑफ डायमीटर इंच एंड हाइट तो तो कैसे होगा साथ कांस्टेंट के यूज करेंगे तो पहला स्टेप तो होगा बच्चों सी इज इक्वल टू के कॉन्स्टेंट आ गया आगे डी की पावर फोर ओवर एल्स के अब यहां से आपने बच्चों के की वैल्यू फाइंड कर दी है अब के की वैल्यू फाइंड करनी है उसके लिए आपको सी की वैल्यू चाहिए डी की वैल्यू चाहिए और एल की वैल्यू चाहिए तब भी आप के की वैल्यू फाइंड आउट कर सकोगे तो अब जरा क्वेश्चन की तरफ आए क्वेश्चन में आज ही उसने वैल्यू दी हुई है आप पिल्ल ऑफ डायमीटर सिक्स इंच डायमीटर उसने कितना दे दिया है सिक्स इंच तो डायमीटर कहाँ पे है ये रहा तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे सिक्स इंच तो देखो जरा बच्चों गौर करो के तो फाइंड करना है तो इसी तरह ही आ जाएगा आगे सिक्स है इसकी वैल्यू और उसकी पावर फोर है तो यहाँ पे भी इसकी पावर क्या आ गई फोर आगे वो क्या कहता है एंड ऑफ हाइट थर्टी फीट अब फीट वो डिस्टेंस ही होता है ना तो वो उसकी लेंथ है कितनी है थर्टी फीट तो लेंथ ये है इसके नीचे है थर्टी और एल का स्क्वेयर है तो इसकी वैल्यू का भी स्क्र अब नेक्स्ट क्या कहता है लोड ऑफ सिक्स थ्री टन तो टनस जो है लोड जो है उसको उसने किससे रिप्रेजेंट किया था सी से तो यहाँ पे सी की वैल्यू सिक्सटी थ्री है तो इसकी जगह आप क्या लिख दोगे सिक्सटी थ्री ओके बच्चो अब आपने क्या करना है जी इसमें से के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो वो कैसे करोगे वो आप यू करोगे जिसको फाइंड करते हैं उसको सेपरेट रहने दिया जाता है तो ये के सेपरेट रहा अब ये सिक्सटी थ्री तो इधर ही है ना अब ये थर्टी का स्केयर यहाँ पे क्या हो रहा है डिवाइड हो रहा है इक्वल किस तरफ आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा इसी तरह 6 की पावर फोर के के साथ क्या और या मल्टीप्लाई इक्वल के तरफ आएगी तो डिवाइड हो जाएगी सिक्स की पावर फोर तो ये आपके पास क्या आ गई बच्चों k की वैल्यू अब अगर आप आप इसको इसको और simplify करना चाहते हो तो आप इसको कर सकते हो तो कहते हो तो मैं आपको कर, कर देता तो, कैलकुलेटर पे जी बच्चों तो ये के की वैल्यू है इसको आप यूं ही रहने दें अगर आप इनको सॉल्व करेंगे तो वो फिर आपका पॉइंट्स में आंसर आ जाएगा वो फिर आपको डिफिकल्टी होगी आगे फर्दर सॉल्व करने में तो ये आपके पास के की वैल्यू आ चुकी है अब बच्चों इस के वैल्यू को आपने ना इस इक्वेशन में पुट करना है ठीक है जब आपने ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन खत्म किया इक्वल लगाया के अभी के की वैल्यू आ चुकी है अब आप इसको इस इक्वेशन में पुट करोगे तो यहां आप देख लो पुट इन वन पुट इन इक्वेशन वन अब जब आप इक्वेशन वन में ये वैल्यू पुट करोगे ना तो इक्वेशन वन ये वाली है सी इज इक्वल टू के डी रेस टू पावर फोर और सारा आप एजिटिव लिखोगे जस्ट जहां पे के होगा उसकी जगह उसकी वैल्यू आ जाएगी तो देखो जरा सी इज इक्वल टू आगे के आ गया उसकी जगह ये वैल्यू सिक्सटी थ्री मल्टीप्लाई थर्टी का स्क्र आवर सिक्स रेस टू पावर फोर और आगे डी की पावर फोर है और एल स्क् ये चीजें आपने एजिटिव लिख देनी है और ये आपकी बन गई हमेशा की तरह इक्वेशन टू जब आप के की वैल्यू पुट कर देते हो तो आपकी इक्वेशन टू बन जाती है अब नेक्स्ट वो क्या कहता है जी क्वेश्चन रीड करें जरा ये हाफ से थोड़ा सा आगे मैं रीड कर रहा हूं हाफ पे हाउ हाई आ फोर इंच पिलर मस्ट बी टू सपोर्ट अ लोड ऑफ ट्वेंटी एट टन ठीक है अब वो कहता है हाउ हाई कितना हाई होगा यानी उसकी लेंथ कितनी होगी तो लेंथ वो कह जी आप फाइंड फाइंड आउट करो तो नाउ वी फाँड लेंथ फाइंड करनी है जबकि हाई आप फोर इंच इंच उसने दिया हुआ है और पहले भी उसने एक आपको इंच दिया हुआ था वो किसकी वैल्यू थी सिक्स इंच डायमीटर की तो इसमें उसने फोर इंच दिया हुआ है तो ये किसकी वैल्यू आ गई फोर इंच डायमीटर की यानी कि डी की फोर इंच और आगे स्पोर्ट टन्स ट्वेंटी टन्स उसने किससे रिप्रेजेंट किया से तो सी की वैल्यू ट्वेंटी तो अब वो कहता है यहां से आपने एल की वैल्यू फाइंड करनी है अब इसके लिए बच्चों हम हमेशा की तरह ये इक्वेशन टू का यूज करेंगे तो सॉल्व यहाँ पे आप लिख भी सकते हो यूजिंग इक्वेशन टू इक्वेशन टू है जी सी टू सिक्स मल्टीप्लाई थर्टी का स्कूर और डी रेस्ट पावर फोर सिक्स और यहाँ पेयर बच्चों ये इक्वेशन टू है मैंने लिखी है अब इसमें हमने फाइंड किस चीज को करना है एल को ठीक है और बाकी वैल्यूज हमें गिवन है तो ये वैल्यूज हम इसमें पुट करेंगे तो देखें जरा क्या होता है इसमें सी की वैल्यू ट्वेंटी एट आ गया ट्वेंटी एट इज इक्वल टू आ गया थ्री मल्टीपाई थर्टी का स्क्वायर और डी की पावर फोर है डी की वैल्यू उसने दी है जो कि की की पावर पावर है है और 6 की पावर 4, और स्क्वायर ये तो आपने फाइंड करना ना तो लिहाजा ये एज इट इज आ जाएगा अब देखो बच्चों जिसको आपने फाइंड करना होता है ना उसको सेपरेट रहने दिया जाता है फाइंड किसको करना है एल स्क्वायर को अब इसको सेपरेट रहना है

तो इसको बच्चों चले हो जाएगा ट्राई करते हैं सिक्सटी थ्री मल्टीप्लाई अब देखो ये थर्टी का स्क्वायर है ना तो इसको बच्चों मैं यूं लिख सकता हूँ थर्टी इंटू थर्टी क्योंकि ये इसका स्क्वायर है और इसकी पावर फोर है इसको भी मैं फोर टाइम्स लिख सकता हूँ ताकि मेरी जो सिम्प्लीफिकेशन है ना वो इजी हो जाए और डिवाइडेड बाय सिक्स की पावर फोर है इसको भी मैं फोर टाइम्स मेंशन कर सकता हूँ

यहाँ पे मैंने लिखा है मल्टीप्लाई है ट्वेंटी एट से अब देखो बच्चों इसकी कटिंग करनी है तो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ सिक्स से सिक्स वन जा सिक्स और यहाँ से सिक्स फाइव जा थर्टी एक -एक सेव थर्टी अब सिक्स और ये थर्टी ओके अब देखो और किसकी कटिंग हो रही है, अब ये है, ये है। तो यहाँ से इसकी कटिंग हो सकती है टू के टेबल से टू थ्री जा सिक्स और टू टू जा फोर अब ये सिक्स है ये फोर है इसकी भी हो सकती है टू थ्री जा सिक्स टू टू जा फोर ठीक है अब ये फोर है और यहाँ से ये ट्वेंटी एट है इसकी भी हो सकती है फोर वन जा फोर फोर सेवन ट्वेंटी एट तो अब यहाँ तक हो गई अब जो आपके पास चीजें बची है ना वो आप यहाँ नीचे अगेन लिख लो एल इक्वल टू सिक्सटी थ्री मल्टीपाई फाइव मल्टीपाई फाइव मल्टीपाई टू मल्टीपाई टू और मल्टीपाई फोर ये तो बच्चों वन हो गया ना तो ये खत्म हो गया टू वन जा टू और और यहाँ से ये भी वन हो गया ये भी वन हो गया ये खत्म हो गए थ्री है इन थ्री इंटू सेवन अब आप इनकी कटिंग करोगे वो कैसे होगी ये देखो ये सेवन है ये सिक्सटी थ्री है तो इनकी तो हो सकती है ना तो सेवन वन जा सेवन सेवन नाइन जा सिक्सटी थ्री ठीक है उसके बाद थ्री वन झा थ्री 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 जा नाइन फिर ये थ्री इस थ्री से कट हो जाएगा तो आपके पास क्या बच गया ऊपर यहाँ पे तो वन वन आ गया ना एल स्केर इज इक्वल टू फाइव इंटू फाइव और टू इंटू टू इंटू फोर और नीचे तो वन है अब आप इनको आपस में मल्टीप्लाई करो तो एल स्के टू से किया हंड्रेड हंड्रेड को फोर से, से किया तो फोर हंड्रेड ये आपके पास आ गया अब फाइंड आपने एल करनी है तो ये एल है स्क्वायर को खत्म करने के लिए दोनों तरफ स्क्यर रूट लिया जाता है तो एल स्क् इस पर भी अलग और इस पर भी अलग ये स्केर इससे कट हो जाएगा तो एल की वैल्यू क्या आ गई ट्वेंटी और लेंथ उसने आपको किस में दी हुई है फीट में तो यहाँ पे आप फीट भी लिख सकते हो तो ये आपके पास इसका आंसर आ गया ठीक है बच्चों कितनी आ गई ट्वेंटी आप स्केयर रूट जब हटाते हैं ना तो प्लस माइनस मेंशन किया जाता है लेकिन ये लेंथ फाइंड की है लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती इसलिए मैंने इसके साथ नेगेटिव नहीं लगाया ये वो भी करके हमारी कम्पलीट हो जाएगी जी स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर एट है एक्सरसाइज थ्री पॉइंट सेवन का जो कि इस एक्सरसाइज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है इसको सॉल्व करते हैं इसकी मैं स्टेटमेंट जो है वो रीड आउट करता हूँ The time t required for an elevator to lift a weight varies jointly as the weight w and the lifting depth d varies inversely as the power p of the motor. If 25 seconds are required for a 4 HP motor to lift 500 lb through 40 feet, what power is required to lift 800 lb through 120 feet in 40 seconds? अब बच्चों इसमें उसने क्या रिलेशन दिया हुआ है आपको वो कहता है जी द टाइम टी टाइम को उसने रिप्रेजेंट किया टी से ये हम इसका रिलेशन बनाते हैं ये क्वेश्चन एट है टाइम टी है और फॉर एन एलिवेटर टू लिफ्ट लिफ्टेरिस ज्वाइंटली वेरिस यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जब भी वेरिस आएगा आपने ये साइन लगा लेना प्रोपोर्शनैलिटी का ज्वाइंटली ज्वाइंटली होता है मिला हुआ अब ये किससे मिला हुआ है एज द वेट डब्ल्यू एंड द लिफ्टिंग डेप्थ डी वेट डब्ल्यू और लिफ्टिंग डेप्थ डी डब्ल्यू और डी ये आपस में ज्वाइंट लिंग वेरिस कर रहे हैं किसके साथ पी के साथ डब्ल्यू और डी इस तरह आपने लिख लेना नेक्स्ट वेरिस इनवर्सली एज द पावर पी ऑफ द मोटर और जो पावर पी है पावर को उसने पी से रिप्रेजेंट किया है वो क्या है इसके इनवर्सली तो इनवर्स होता है उलट यानी आपने इसको नीचे लिख देना और ये आपकी आ गई पावर ये आपका रिलेशन है आगे उसने आपको वैल्यूज दी हुई है तो अब देखो बच्चों ये आपका रिलेशन बन गया अब पहले नंबर पे तो आपने ये साइन खत्म करना होता है तो वो कैसे होता है टी इसकी जगह इक्वल सात कांस्टेंट के यूज किया जाता है और बाकी एज इट इज अब यहां से आपने जो है वो के की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है देखो बच्चों फाइंड करना है के को उसके लिए आपको टी की वैल्यू चाहिए डब्ल्यू चाहिए डी चाहिए और पी चाहिए तब भी आप जो है वो के की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकोगे तो अब नेक्स्ट इसमें रीड करो जरा अगली लाइन में वो कहता है जो वैल्यूज दी हुई है इफ ट्वेंटी फाइव सेकेंड आर रिक्वायर्ड फॉर अ फोर एच पी मोटर टू लिफ्ट फाइव हंड्रेड एल बी थ्रू फोर्टी फीट अब देखो ट्वेंटी फाइव सेकेंड सेकेंड क्या होता है टाइम तो उसने टाइम आपको कितना दे दिया है ट्वेंटी फाइव सेकेंड तो इसकी जगह मैं लिख दूंगा ट्वेंटी फाइव ओके आगे के फाइंड करना है एज इट इज आगे देखो अब डब्ल्यू डी और पी चाहिए आगे क्या कहता है वो के आर रिक्वायर्ड फॉर अ मोटर एच पी यानी उसने पावर दी हुई है ऊपर भी उसने पावर का वर्ड यूज किया था ना तो एच पी उसकी पावर है पावर कितनी है फोर एच पी तो पावर नीचे है तो नीचे मैं क्या लिख दूंगा फोर अब आगे टू लिफ्ट 500 हंड्रेड एल बी लिफ्ट होता है उठाया गया यानी उसका वेट है ठीक है लिफ्ट उठाया 500 हंड्रेड एल बी तो ये वेट आ गया वेट W है अब देखो k W D ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो मैं यू ब्रैकेट लगाऊंगा 500 अब यूनिट आप ना लिखे ठीक है इसका यूनिट सेकेंड इसका एल बी ये फिर आप मिस कर दोगे आप जस्ट वैसे इसको सॉल्व करो जब आप, आप आंसर निकाल लोगे फिर सात यूनिट लिख लेगा अच्छा जी आगे थ्रू फोर्टी फीट और फीट क्या है इसका जो आपके पास है गहराई कि उसका फोर्टी है, तो है तो डी की वैल्यू यहाँ पे फोर्टी आ गई है अब ये वैल्यूज हमने उस क्वेश्चन में उसने दी हुई थी ये यह हमने यहाँ लिख ली है अब यहाँ से के की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे तो देखो बच्चों कैसे करना है आपने इसको सॉल्व अब आप इसकी कटिंग कर लो फोर वन झा फोर और फोर टेन झा फोर्टी तो यहाँ पे फाइव हंड्रेड है और यहाँ पे टेन है ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं आप इनको मल्टीप्लाई कर लो फाइव हंड्रेड को टेन से किया तो फाइव थाउजेंड आ गया और नीचे तो वन आ गया ना वो लिखने की जरूरत ही नहीं है आपको अब वैल्यू आपने के की फाइंड करनी है तो के सेपरेट रहेगा फाइव थाउजेंड मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड अब ट्वेंटी फाइव वन झा ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव टू फिफ्टी और ये टू जीरो तो से के की वैल्यू क्या आ गई है आपके पास वन आवर टू हंड्रेड ये बच्चों आ है के वैल्यू अब आप इस के की वैल्यू का क्या करोगे जहां के आपने यूज किया ना यहाँ पे किया ना इसको नाम दो इक्वेशन वन का इसमें आप पुट कर लो। तो इक्वेशन वन, वन में हम इसको पुट करेंगे तो देखो इक्वेशन वन ये वाली है इस सारी इक्वेशन को मैं सेम एज इट इज लिखूंगा जस्ट के की जगह उसकी वैल्यू लिख दूंगा तो जरा गौर करें t इज इक्वल टू के जगह टू हंड्रेड और w d और p ये चीजें मैंने सारी वैसे लिख दी हैं ठीक है यहां तक हो गया जब के की वैल्यू आप पुट कर दो तो जो इक्वेशन बनेगी इसको आपने नाम दे देना है इक्वेशन टू का अब बच्चों क्या कहता है क्वेश्चन की तरफ आओ वट पावर इज रिक्वायर्ड कि कितनी पावर जो है वो रिक्वायर्ड होगी अब वो कहता है पावर आपने फाइंड करनी है तो यहाँ पे लिखो नाउ वी फाइंड पावर फाइंड करनी है टू लिफ्ट एट हंड्रेड एल बी अब ये एट हंड्रेड आपका क्या है वेट है एल बी ठीक है एल बी वेट का भी उसने फाइव हंड्रेड बोला था ना तो ये आपका वेट है ठीक है डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है एट हंड्रेड एल बी और उसके बाद वन हंड्रेड फीट फीट क्या होता है आपका जो है वो डिस्टेंस यानी कि आपकी डी की वैल्यू है कितनी वन ट्वेंटी तो यहाँ पे लिख लेते हैं डी इज इक्वल टू वन ट्वेंटी फीट और आगे क्या कहता है इन फोर्टी सेकेंड सेकेंड क्या होता है टाइम उसने ये टी की वैल्यू आपको कितनी दे दिया फोर्टी तो टी इज इक्वल टू फोर्टी सेकेंड ये अब वैल्यून है और इसमें आपने पी की वैल्यू फाइंड करनी है और इसके लिए इक्वेशन कौन सी यूज करोगे आप ये वाली इक्वेशन टू हमेशा की तरफ तो यहां पे मैं इसको करता हूं जी सॉल्व तो यहाँ लिखा जाएगा जी यूजिंग इक्वेशन टू इक्वेशन टू बच्चों में लिखने हूँ टी इज इक्वल टू वन को W से मल्टीप्लाई करूंगा W आ जाएगा उसको D से मल्टीप्लाई करूंगा तो डब्ल्यू आ जाएगा आवर टू हंड्रेड पी अब मुझे इसमें वैल्यू स्पूट करनी है फाइंड करना है तो ये टी है टी के जगह उसकी वैल्यू कहाँ गई ये रही 40 तो टी के जगह आ गया 40, आगे डब्ल्यू है ड़्यू की वैल्यू 800 है ये मैंने लिखा एट हंड्रेड आगे डी है डी की वैल्यू वन ट्वेंटी है और ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं इसलिए मैंने ये ब्रैकेट लगाई है वन ट्वेंटी और नीचे टू हंड्रेड है ये आपका आ गया एज इट इज और आगे क्या पी ये तो आपने फाइंड करना है ना तो ये ऐसे ही आ जाएगा अब बच्चों देखो जिस चीज को आपने फाइंड आउट करना है ना उसको सेपरेट रहने देना ठीक है।, है तो P यहाँ पे डिनोमिनेटर में है ना जिसको फाइंड करते हैं वो एक तो बच्चों याद रखो एक तो वो माइनस में नहीं रहना चाहिए और दूसरा डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए जिसको फाइंड करते हैं तो ये माइनस में तो है नहीं है ठीक है लेकिन ये डिनोमिनेटर में है लेकिन यहां से ये यह जब इधर आएगा तो ये न्यूमिनेटर में आ जाएगा क्यों क्योंकि ये डिवाइड हो रहा है इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो फोर्टी पी इज इक्वल टू एट हंड्रेड आगे वन ट्वेंटी और नीचे टू हंड्रेड अब आप इसको सॉल्व कर लो आंसर आ जाएगा तो कैसे करना है ये टू जीरो टू जीरो से कट टू वन जा टू टू फोर जा एट फोर को मल्टीप्लाई करो वन ट्वेंटी से ठीक है या इसका ना एक और भी हल है इजी हल वो मैं आपको बता देता हूँ उससे आसानी से हो जाएगा देखो बच्चों ये पी डिवाइड हो रहा था इधर आके मल्टीप्लाई हो गया बाकी मैंने यूं लिखती सारी चीजें और नीचे टू हंड्रेड अब वैल्यू किसकी फाइंड करनी है पी की तो पी को सेपरेट रहने देना फोर्टी इधर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई इक्वल के उस तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा यहाँ पे मैं लिखता हूं पी इज इक्वल टू एट हंड्रेड टु नीचे टू है फोर्टी इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो ये डिवाइड इसके साथ होगा ना यहाँ पे ये मैंने लिख दिया अब जस्ट मुझे इसको सॉल्व करना है पी की वैल्यू आ जाएगी तो ये दो जीरो बच्चों ये दो जीरो से कट हो गए ये जीरो इस जीरो से कट हो गया और टू वन जा टू टू फोर जा एट फोर वन जा फोर फोर थ्री जा ट्वेल्व तो फोर को थ्री से मल्टीप्लाई किया तो ट्वेल्व तो पी की वैल्यू क्या आ गई ट्वेल्व और इसका यूनिट क्या है आपके पास उसने दिया हुआ है पावर है ना साथ उसने एच तो साथ आप एच पी लिख दोगे दिस इज रिक्वायर्ड आंसर तो ये था जी बच्चों इसका क्वेश्चन नंबर एट आई होप कि आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा अब चलते हैं जी इसके क्वेश्चन नंबर की जानी बच्चों आ गया जी क्वेश्चन नंबर नाइन जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है इसकी स्टेटमेंट रीड करते हैं जी द काइनेटिक एनर्जी के ई ऑफ अ बॉडी वेरीज ज्वाइंटली एज द मैथ एम ऑफ द बॉडी एंड स्क्र ऑफ इट्स वी काइनेटिक एनर्जी इज फोर थ्री टू जीरो फिट पर एल बी वेन द मैथ इज फोर्टी फाइव एल बी एंडीज ट्वेंटी फोर फिट पर सेकेंड डिटर्मन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ आ थ्री थाउजेंड एल बी ऑटोमोबाइल ट्रेवलिंग फोर्टी फोर फीट पर सेकेंड ये जिसकी स्टेटमेंट है अब इसमें उसने क्या रिलेशन दिया हुआ है इसमें कहता है जी द कानेटिक एनर्जी के ई ऑफ आ बॉडी एक काइनेटिक एनर्जी है और इनर्जी को जो है वो ई से रिप्रेजेंट किया जाता है तो एक उसने आपको काइनेटिक एनर्जी दी हुई है जिसको मैं ई e से रिप्रेजेंट कर देता हूं ठीक है ये आपके पास क्या है इनर्जी ऑफ अ बॉडी वेरिस का वर्ड आएगा आपने ये साइन लगा लेना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का वेरीज ज्वाइंटली और ज्वाइंटली होता है मिला हुआ अब क्या चीज मिली हुई है वो आगे क्वेश्चन में रीड करते हैं एज द मैथ एम ऑफ द बॉडी एंड स्केर ऑफ इट्स वी एक मैथ है एम और Velocity है v. M और v jointly है, मिले हुए हैं तो वेरिस कर रहे हैं एम और वी ये क्या कर रहे हैं varies. उसके बाद, काइनेटिक एनर्जी आगे उसने ना वैल्यूज दी हुई है काइनेटिक एनर्जी की मैथ की वेलोसिटी की ठीक है तो ये हमने इसमें से रिलेशन जो है वो फाइंड आउट कर लिया अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखो बच्चों, जब भी ये साइन आएगा आपने इसको कैसे खत्म करना है इक्वल लगाना साथ कांस्टेंट के यूज करना तो इसकी जगह तो मैं लगाऊंगा ना फिर इक्वल सात कांस्टेंट के आगे एज इट इज ठीक है ये ये साइन खत्म हो गया अब ये आपकी इक्वेशन बन गई है अब यहां से आपने के की वैल्यू फाइंड करनी है लेकिन उसके लिए आपको ई e की वैल्यू चाहिए एम की चाहिए और वी की चाहिए अब ई e इसमें क्या है काइनेटिक एनर्जी एम वेलोसिटी है उसने आगे वैल्यू दी हुई है क्या दी हुई है

आगे वी चाहिए वी विलोस्टी है वो कितनी है एंड एंडस्टी इज ट्वेंटी फोर फीट पर सेकेंड तो विलोस्टी उसने ट्वेंटी फोर दी हुई है ये आ गया ट्वेंटी फोर अब यहां से आप के की वैल्यू निकाल लो तो देखो बच्चों ये दोनों चीजें के के साथ क्या हो रही हैं मल्टीप्लाई ठीक है तो जिसको फाइंड करते हैं उसको सेपरेट रहने दिया जाता है तो ये के फाइंड करना है ये सेपरेट आ गया और ये दोनों मल्टीप्लाई और ये इधर आके डिवाइड हो जाएगी फोर्टी फाइव इंटू ट्वेंटी फोर ये चीज तो ये आपके पास आ गई है के की वैल्यू ठीक है मल्टीप्लाई कर दो डिवाइड कर दो के की वैल्यू आ जाएगी अगर आप इतनी भी रहने देते हो तो ठीक है कोई इशू नहीं है तो अब इस के की वैल्यू को आपने इसमें पुट करना है जहां पे आपने के का यूज किया था तो पुट इन इक्वेशन वन तो इक्वेशन वन सेम लिखोगे एज इट इज जस्ट के की जगह उसकी वैल्यू फोर थ्री टू जीरोड बाई फोर्टी फाइव मल्टीपाटी फोर आगे इसको नाम दे लेना इक्वेशन का ठीक है यहाँ पे आपका हाफ क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है अब नेक्स्ट वो क्या कहता है डिटरमिन द काइनेटिक एनर्जी काइनेटिक एनर्जी आपने जो है वो अब फाइंड करनी है तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं नाउ वी फाइंड काइनेटिक एनर्जी यानी कि ई जो है वो फाइंड करना थ्री थाउजेंड एल बी जिसमें थ्री थाउजेंड एल बी एल बी यहाँ किसका यूनिट था ये फोर्टी फाइव एलबी था तो वो मैथ था तो यहाँ पे मैथ उसने दिया हुआ जी थ्री थाउजेंड एल बी ये आपका क्या आ चुका है मैथ आ चुका है ठीक है आगे ऑटोमोबाइल ट्रेवलिंग फोर्टी फोर फीट फौर्ट पर सेकेंड अब फोर्टी फोर फीट पर सेकेंड तो ये विलोस्टी का यूनिट उसने ट्वेंटी फोर फीट पर सेकेंड तो यहां से यूनिट से हमें पता लग गया कि ये जो उसने आगे फोर्टी फोर फौर्ट दिया हुआ है ये फीट पर सेकेंड है तो ये किसकी वैल्यू है v की तो v इज इक्वल टू ट्वेंटी फोर सॉरी फोर्टी फोर पर सेकेंड ये आपके पास आ गई है V की वैल्यू तो क्या ये E आपने फाइंड करना है एम बी दे दिया उसने आगे और V भी मेंशन कर दिया है तो अब इक्वेशन आपने बच्चों यही यूज करनी है इक्वेशन टू तो इसको सॉल्व करते हैं E की वैल्यू फाइंड करते हैं यूजिंग इक्वेशन टू अब इक्वेशन टू बच्चों आपके पास ये वाली है ठीक है तो यहां पे मैं लिखता हूं ई इज इक्वल टू फोर थ्री टू जीरो फोर्टी फाइव मल्टीप्लाई ट्वेंटी फोर आगे क्या है एम वी ये मैंने लिख दिया एम वी अब मुझे फाइंड करना है ई e. ठीक है तो ई e फाइंड करना है इसको एज इट इज लिखा जाएगा आगे ये चीज है ये भी सारी एज इट इज आगे क्या है एम एम की जगह उसने वैल्यू दी हुई है अब हम ये वैल्यू पुट करेंगे थ्री थाउजेंड तो आगे इसकी जगह क्या आ गया एम की जगह थ्री थाउजेंड आगे वी है वी बी से मल्टीप्लाई हो रहा है तो वी की वैल्यू फोर्टी फोर है मल्टीप्लाई फोर्टी फोर ठीक है अब जस्ट आप बच्चों इसको सॉल्व कर दो आंसर आ जाएगा इसको आप इससे मल्टीप्लाई करो जो आंसर आता है उसको इससे मल्टीप्लाई करो जो भी आ जाएगा वो आप यहाँ लिख लोगे ठीक है फिर इनको मल्टीप्लाई करो दोनों के आंसर को डिवाइड कर देना तो वो आपके पास ई e आ जाएगा तो कैलकुलेटर आपको अलाउ है उस पर आपने ये वैल्यूस लिखो ये लिखो इनके आंसर को डिवाइड करो तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा बच्चों बच्चों यहाँ पे जो है ना इक्वेशन टू में छोटी सी हमसे यहाँ मिस्टेक हो चुकी है तो इसको आप कलेक्ट करें ये इसमें वो कह रहा था कि काइनेटिक एनर्जी स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी वेलोसिटी का स्क्वायर है यहाँ पे ये चीज क्या है स्क्वायर में तो v की वैल्यू पे इस तरह स्क्वायर आएगा तो 24 पे भी फिर ऐसे स्क्वायर आएगा तो ये चीज आपने ना जरा नोट डाउन कर लेनी है क्योंकि मैथ्स है मैथ्स में इस तरह की छोटी छोटी मिस्टेक्स होती रहती है तो आपने घबराना नहीं है तो ये वैल्यूस आप ठीक कर लो इसी तरह इसपे भी क्या जाएगा ठीक है तो इस पे भी स्क्वेयर आ गया इस तरह वी की वैल्यू फोर्टी फोर है इस पे भी स्क्वेयर आ जाएगा तो जब आप इनको सॉल्व करोगे ना कैलकुलेटर पे तो आपके पास इसकी वैल्यू आएगी नाइन सिक्स एट नाइन सिक्स एट ट्रिपल जीरो ये आपके पास आ गई है जी काइनेटिक एनर्जी और इसका यूनिट उसने क्या यूज किया था यूनिट उसने नहीं बताया हुआ था ठीक है ये आपके पास एनर्जी आ गई है तो दिस इज रिक्वायर्ड आंसर बच्चों ये यहाँ पे उसने बोला था स्केयर ऑफ दिलोटी तो हमने आप यहाँ पे स्केल आज भी मैंशन करना है ठीक है तो so उसके तहत हमने सॉल्व किया आंसर ये तो जस्ट कैलकुलेटर का काम है आगे आप खुद इजीली इसको कर सकते हो तो आपका यही आंसर आएगा इसमें तो ये था जिसका क्वेश्चन नंबर नाइन तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज थ्री पॉइंट सेवन उसके तमाम के तमाम क्वेश्चन अपने को तो मैं उम्मीद करता हूँ इनके सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा तो इसको आप नोट कर लें तो यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर थ्री उसकी तमाम एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी थैंक यू फॉर वॉचिंग जी सुख